गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं अभी 5 और हम जा रहे हैं सेक्टर 26 जमनई के स्पोर्ट्स क्लब। और चंडीगढ़ में काफी लोग मिलके फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो उसको आज कवर कर रहा हूँ। और हम पहुंच गए हैं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल जो सेक्टर 26 में है। मोहनित जी आ चुके हैं यहाँ पे, ये जमनई को हमारे स्पोर्ट्स क्लब को लीड कर रहे हैं, फुटबॉल इनके पास है। गुड मॉर्निंग, जेमिनी सॉल्यूशंस ब्रांडिंग चल रही है पूरी बिल्कुल बढ़िया। आज स्पेक्टेटर्स भी लेके आए हम आपके लिए। फाइनली आ गए हम यहाँ पे, जब फुटबॉल आप ग्राउंड देख पा रहे हो, 6x6 का ये ग्राउंड है। मैच काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लोग भाग रहे हैं पीछे, मोहित भागते हुए जेमिनी सॉल्यूशंस वाले। एंड लग रहा है बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है और हवा बहुत ही ज्यादा तेज। लेट्स सी क्या होता है। मैच होता हूँ, मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा, फुटबॉल की मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन स्टिल मज़ा आ रहा है। मौसम काफ़ी सही है, बढ़िया मौसम एकदम। एंड चंडीगढ़ मतलब ठंड होने लगी है, तो बिल्कुल सही फील आ रही है, एकदम बढ़िया वाली। यस सर, बताइए इस मैच के बारे में थोड़ा सा, कैसा मैच चल रहा है अभी? बढ़िया। बहुत ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आए सुबह जल्दी, 5 बजे उठ के यहाँ पे आए हुए, पूरे ड्रेसअप हो गए एकदम चीयर करने के लिए। कौन सी टीम को चीयर कर रहे हो? नियॉन को। जमना ही है क्योंकि इसलिए मोहित लीड कर रहे हैं। सही है, बढ़िया है, काफ़ी सही मौसम, मतलब चंडीगढ़ का जो सही फन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। एंड एक अच्छी सुबह की शुरुआत यहाँ पे होते हुए, मैच काफ़ी इंटरेस्ट देख पा रहे हो आप। है मोहित भागते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, प्रणव सानी को आप देख पा रहे हो उधर। यस मोहित बताइए यार। ये विनर बैठे हुए, मोहित को जो डिटेल्स है इस ग्रुप की मैं आपको भेज दूंगा, आप आके यहाँ पे खेल सकते हो। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 26 चंडीगढ़ में। और डेली खेल रहे होते? हाँ डेली खेल रहे होते हैं। सर जमने वाले लोगों के साथ खेलते हुए कैसे लग रहा है? जमने वाले थोड़ी हैं। अरे ये है ना हमारे धुलंदर। अरे यार आ जाओ, ये ग्राउंड में उतरा भाई, ग्राउंड का नाम भी बोल रहा है, जितना काम करोगे खेलना बहुत जरूरी है। सेक्टर 25 में हम आए भैया के साथ जूस पीने। सुबह आओ तो भैया, कितने बजे? 7 बजे। सही है, 25 मार्केट में फ्रेश जूस, यहाँ पे पाइन एप्पल और आपको किन्नू मिल जाएंगे और मौसमी मिल जाएगी, सब चीज़ें मिल जाएंगे। बनवा रहे हैं हम बिना छन्नी वाला जूस, यहाँ पर 70 रुपये का एक फ्रेश जूस, पाइन एप्पल और क्या ना किन्नू किन्नू। अरे भैया भैया पूरे मोह ले रहे बैठ। अरे बिना छन्नी के जूस पीते हुए थोड़ा मेरे ख्याल से फाइबर ज़्यादा होता है इसमें, तो बढ़िया रहता है सेहत के लिए। एंड बढ़िया है, 70 रुपये में फ्रेश जूस। भैया के पास आइए यहाँ पे, हमारा नाम ले लीजिएगा भैड़ी का, एंड बताना इन्हें। दिन के हो रहे 12:15 अभी, एंड ऑफिस की 3-4 कॉल्स थी वो अटेंड कर ली है। एंड फाइनली अब बारिश जो थी पंचकूला में हो रही थी वो अब रुक चुकी है, मौसम काफ़ी सही हो रखा है, एकदम बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, मतलब जैकेट पहननी पड़ गई थी ऐसा था। अब मैं जा रहा हूँ बस तैयार होके ऑफिस, और ऑफिस में जाके आज वो यूजुअल जो हमारे काम करेंगे वो हो रहा होगा। एंड लेट्स सी कि आज कौन आता है ऑफिस में, एंड मिलवाने की कोशिश करूँगा आपको। इसके ब्रेकफास्ट में हमारे पास पूरी बेड़मी, ठीक है, आलू की सब्जी, आलू की सब्जी एंड दही है, ये भी बढ़िया। एंड इसके साथ अचार ना हो तो फिर
क्या ही मजे कर लिया है। एक बज चुके हैं एंड जाते ही ऑफिस में मीटिंग स्टार्ट हो जानी है, मीटिंग अटेंड करनी है, बाकी काम कंटिन्यू करूंगा। आज काफी प्रोडक्टिव डे होने वाला है, काफी सारी मीटिंग्स है आज एंड चलते हैं। किया सोनेट का जो मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है किया सोनेट IMT एंड इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें क्लच है ही नहीं, सिर्फ ब्रेक है और पेडल है और ये है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, तो आपको गियर भी सारे लगाने हैं लेकिन आपके पास क्लच नहीं है, तो यही टेक्नोलॉजी मुझे लगती है काफ़ी जो टेंशन होती है क्लच वगैरह की वो सब खत्म हो जाती है। तो इसका पूरा एक मैं क्या कहते हैं गाड़ी का एक्सपीरियंस, गाड़ी का रिव्यू मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना रहा हूँ और वो डाल रहा हूँ अपने चैनल पर बहुत ही जल्दी। इसी कुछ एसेसरीज दी उसके बारे में भी आपको बता रहा, तो उस वीडियो के लिए इंतजार करना, इसी चैनल पर मैं डाल रहा। मुझे पता है कई लोगों के क्वेश्चन जरूर होगा कि अब एक बज रहा है और तुम ऑफिस जा रहे हो तो ऐसे कैसे मैनेज होता है। देखो कंपनी का हमारा सब सिंपल सा फंडा है कि आपको काम जरूर करके देना है, दो वी हैव अ फिक्स टाइमिंग्स कि हमें 11 से 7 के आसपास तक का जो होता है फिक्स आवर्स में आपको काम करना, 11 से 8 या 11 से 9 के आसपास का। लेकिन ये भी है कि क्योंकि हमने कॉल्स सुबह जो मॉर्निंग की मैंने बताई थी वो मैंने घर से उठा ली थी, काफ़ी सारी कॉल्स होती है और आफ्टर ऑफिस क्या कहते हैं 7 o'clock के बाद भी बहुत सारी कॉल्स हो रही होती है, तो वो भी हमें मैनेज करना होता है। तो कंपनी कहे तुम काम करते रहो, काम के अलावा काम डिलीवर कर रहे हो तो मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी होने कोई फर्क नहीं पड़ता ना ज़्यादा, अंटिल अनलेस कि आप एक डेडिकेटेड किसी कोर टीम के साथ काम करो जिनकी आपके पास रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमारे पास फोन मिला हुआ है तो उस फोन पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कुछ मैसेज होता है कुछ भी इशू होता है तो उसके लिए हम अवेलेबल रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम किसी कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। तो चल रहा है यहाँ ऑफिस में क्रिकेट का मैच, इंडिया 165/1 ओवर 31 और ये हमारा ऑफिस है कैंटीन, खाना लगा हुआ है यहाँ पे। आज खाने में है छोले चावल एंड और भी चीज़ें, मिक्स वेज भी हमारे पास, ये जो कुछ खास नहीं बनी। एंड संजय बिस्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, ये हमारे बहुत ही धुलंदर डेवलपर संजय, और हमारे साथ ये रहता है ना कि संजय इज ऑल्सो वर्किंग सेम टाइप ऑफ वर्क मैं भी कर रहा होता हूँ, संजय इज मोर इन कोडिंग मैं मोर इन डिजाइनिंग, तो काफ़ी एक अच्छी इंटरेक्शन हो जाती है। एंड बहुत जल्दी संजय को ला रहे होंगे अपने जो मेजर डैडी के ऊपर एक वेब डेवलपमेंट है किसी के ऊपर काम करने के लिए, बोलता है खाना खाने के बाद। तो अभी बज रहे हैं 9 और पूरा ऑफिस आप देख पा रहे हो खाली हो चुका है, सारे लोग ऑफिस से चले गए घर पे। आज ऑफिस में एक मॉक ड्रिल हुई थी जिसमें कोविड टेस्ट सबके हुए, तो कि कभी ऐसी फ्यूचर में होती है तो क्या सिचुएशन हमें करनी पड़ेगी, तो इस वजह से ऑफिस थोड़ी जल्दी चले गए सारे लोग, बाकी मेरी कॉल्स लेट तक होती है तो मैं ऑफिस में हूँ। क्रिकेट मैच चल रहा है और ये टीवी ऑफिस में ऐसे एक यहाँ पे लगा हुआ है एक वहाँ पे लगा हुआ है, तो इस टाइप के टीवी हमारे ऑफिस में भी लगे रहते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए सही है, तो बोर नहीं होता। एंड मेरा चालू है कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के, फिर और बैठूंगा और आज मैं जो ऑफिस का गेस्ट हाउस है यहीं पंचकुला में वहाँ जा रहूँगा, वहाँ स्टे कर रहूँगा। एंड हमारा ऑफिस का गेस्ट हाउस एक गुड़गांव में भी है और पंचकुला में भी है, तो एक अच्छी चीज़ है कभी को ले ट्रेवल कर रहे हो या कभी टीम मीटिंग्स के लिए आना हो तो हम वहाँ पे अपना रूम बुक कर सकते हैं, 3 BHK 4 BHK का है, मैं दिखाऊंगा उसका भी टूर तो वो हम बुक कर सकते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी जेमिनी प्रोवाइड कर रहा होता है। गेस्ट हाउस पहुँच गया है, गेस्ट हाउस पर हमें मिल रही है दाल रोटी पानी रखा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, मैच लगा हुआ है एंड अश्विनी जी बैठे हुए हैं। अश्विनी जी हाय तो कर दो, इतना खाना कैसा बना है करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ है ऋषभ भी यार, ऋषभ ने आज ज्वाइन करा है जेमिनी को, तो गेस्ट हाउस पर रुके हुए एंड देखते हैं आज पहली बार आ रहा हूँ गेस्ट हाउस के बारे में काफ़ी सुना था। ऑफिस का गेस्ट हाउस हमारा एंड बेड लगा हुआ है, यहाँ पे अलमीरा है, एक बाथरूम है और पर ये सामने हमारे जमने का ऑफिस एंड उसके पीछे नाडा साहिब और ये हमारा जहाँ पे हम रुके हैं गेस्ट हाउस 8th floor पे हम यहाँ पे हैं। सामने कुछ दिख तो रहा है यार, रेसिंग कैसा लग रहा है आई एम नॉट श्योर कि क्या है वो एग्जैक्टली, साइकिल ट्रैक लग रहा है कोई एंड काफ़ी सही। वो सुबह जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे थे वो चीज़ है वाला ब्रिज उससे ट्रैवल करते हम वहाँ जा रहे थे तो काफ़ी सही है। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, आज रात को जल्दी सो रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स रखूँगा, कल देखते हैं कि कल क्या कर रहे होंगे। ऑफिस का काम तो शायद से मैं यहीं से कर रहा हूँ अगर कंटिन्यू, कल ऑफिस हमारा बंद है एंड फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मौज लो रोज लो ना मिले तो खोज दो #BeLikePaddy।